मंचर। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गॉडज़िला के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो आप मत देखिए। आप वो टिकट के पैसे लेके किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दीजिए, तो ज़्यादा भला होगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत 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 ही ज़्यादा घटिया है। पर दोस्तों, इससे पहले हम लोग इस फिल्म का रिव्यू करें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है काफ़ी स्लो, और जो मूवी है उसमें हमें दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर है डॉक्टर एमा, वो मॉन्स्टर्स या गॉडज़िला या टाइटन के साथ काम करती हैं। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिससे वो इन मॉन्स्टर्स से बात कर सकती हैं। मूवी बहुत ही स्लो स्टार्ट होती है और धीरे धीरे थोड़ी इंटरेस्टिंग बन रही होती है, बट फर्स्ट हाफ में ही वो लोग बता देते हैं कि डॉक्टर एमा एक्चुअली थैनोस है और वो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी ही पूरी अर्थ के सारी सफरिंग का रीज़न है। तो उस पॉइंट के बाद मेरे को लगा कि ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड और प्रिडिक्टेबल थी। दोस्तों, इस फिल्म में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगा बहुत बेकार हैं और अच्छी हो सकती थी, पर या तो आप लेजी राइटिंग कह लीजिए या फिर आप क्लीशेज कह लीजिए, ये फिल्म में भरे हुए हैं। इस फिल्म में काफ़ी जगह दिखाया जाता है कि जब नए मॉन्स्टर्स आते हैं तो वो एक हैंड हेल्ड कैमरे की तरह जूम करके मॉन्स्टर के चेहरे पे दिखा रहे हैं। अरे भैया, वहाँ पे कोई खड़ा नहीं है, मोबाइल से सेल्फी ले रहा है कि वो दिखा रहे हैं भैया कि वहाँ पे नए मॉन्स्टर आ गए, पर उसमें शॉर्ट्स में ऐसा दिखाया है कि वो एकदम कैमरा जूम हो जाता है और आप मॉन्स्टर्स को देख सकते हो। और मेरे को लगा ये थोड़ा आउट ऑफ प्लेस था और प्रॉब्ली इस फिल्म में इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर चलिए ठीक है। फिल्म का जो CGI है वो डिसेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि फिल्म का CGI बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी फिल्म में सिर्फ CGI ही है, तो पूरी फिल्म ओवर सैचुरेट कर रखी है CGI से। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद रहेगा अगर आप एक घंटे बाद, दो घंटे बाद अगर आप उसके बारे में बात करोगे। ऑब्वियसली जो मॉन्स्टर्स हैं, मॉन्स्टर्स अच्छे बनाए हैं तो उनकी CGI अच्छी है, पर पूरी फिल्म में इतनी ज़्यादा CGI है कि वो पूरा सैचुरेट कर दिया गया है। दोस्तों, इस फिल्म में इन लोगों ने मार्वल का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो मार्वल का फॉर्मूला ये है कि जब भी कुछ टेंशन वाला सीन हो तो अब एक दो जोक्स मार दो, एक दो क्विप्स मार दो, और उससे थोड़ा टेंशन कम हो जाती है और ऑडियंस का मन बना रहता है। पर इन लोगों ने इतने गंदे जोक्स मारे हैं और इतने गंदे टाइम पे जोक्स मारे हैं कि आपको लगे भाई क्या क्या देख लिया मैंने, भाई कोई हार्पिक दे दो, मेरे को अपनी आँखों में डालना पड़ेगा, आँखें साफ़ करनी पड़ेंगी। दोस्तों, एक चीज़ जो मुझे बहुत घटिया लगी इस फिल्म के बारे में वो ये थी कि जब भी जो मेन मॉन्स्टर है, जो मेन विलन मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर ज़ीरो, वो जब किसी भी मेन कैरेक्टर को या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को मारने वाला होता है तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उनको आग से जलाने वाला होता है, कि तभी बॉलीवुड मूवी की तरह गॉडज़िला एंट्री मारता है। मतलब गॉडज़िला वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, भैया पूरी लड़ाई हो रही है, चलो हम बैठ के थोड़े पॉपकॉर्न खा लेते हैं, लड़ाई देख लेते हैं। और उसके बाद फिर जब मतलब वो मेन मारने वाला होता है तभी आके गॉडज़िला रोक लेता है। और ये फिल्म में सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये फिल्म में 4-5 बार हुआ। जितनी बार उन लोगों ने दिखाया गॉडज़िला को उतनी बार ये हुआ, और हर बार गॉडज़िला हार जाता है। तो ये थोड़ा मतलब मेरे को लगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही क्लीशे हो गया। जो फिल्म की फाइट्स हैं दोस्तों, वो ठीक हैं, अच्छी हैं, एपिक है, क्योंकि वो एपिक उनका साइज़ है, एपिक वो कंटेंट के हिसाब से नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो फाइट्स हैं वो और अच्छी हो सकती थी। चलिए दोस्तों, मैं आपको इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट दे देता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग है, जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर है और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, और जो फिल्म का प्लॉट है उसमें काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, इनको जल्दी जल्दी भरने की कोशिश करी गई है, और उसको कंपेंसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा CGI शॉट्स का इस्तेमाल किया गया। CGI भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, CGI ठीक ही है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको देख के याद रहेगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया CGI थी। म्यूज़िक भी बहुत दोस्तों वीक है, म्यूज़िक में कुछ ऐसा इन लोगों ने किया नहीं है कि आपको याद रहेगा। एक चीज़ उन लोगों ने अच्छी करी दोस्तों वो ये है कि इन लोगों ने MCU का रास्ता अपनाया, तो वो ये है कि इन लोगों ने पहले एक मूवी निकाली थी किंग कॉन्ग, और अब इन लोगों ने गॉडज़िला निकाली है, तो ये पूरा WV का मॉन्स्टर वर्स है जिसमें अभी तक 2 फिल्में हम लोग देख चुके हैं और हम लोग और फिल्में देखेंगे। इवेंचुअली मेरे को लग रहा है हम लोग गॉडज़िला और किंग कॉन्ग की लड़ाई भी हो सकता है देखें। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं रेटिंग पे। तो इस फिल्म की डायरेक्शन के लिए मैं इसको दूंगा 5 में से 2 स्टार, इस फिल्म के म्यूज़िक के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 1 स्टार, और इस फिल्म की CGI के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 3 स्टार। ओवरऑल मैं इसको 5 में से 2 स्टार दूंगा, और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये फिल्म ना देखें अगर आपको
टिकट पे पैसे खर्च करने, तो उससे अच्छा आप कहीं बाहर जाके खाना खा लीजिए, या आप सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत देख लीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है वो फिल्म इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू गॉडज़िला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स का। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये फिल्म में क्या अच्छा या क्या बुरा लगा। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। हम लोग और भी काफ़ी सारा कंटेंट बनाते हैं, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड गेम और बाकी फिल्मों पे भी हम लोग काफ़ी कंटेंट बनाते हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर चेक करिएगा।